स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। बोलो क्या खास बात है? सताराम ने मोहम्मद गौरी का एक खास भेद हासिल किया है, वो आपसे आज रात काली नदी पर मिलेगा। वहाँ बहुत सी औरतें पूजा करने आई हैं, वो आपको वहीं औरत के भेष में मिलेगा। उसकी निशानी उसके लाल कपड़े होंगे। चलो बेटी। हमारे बुजुर्ग भी वही कहते हैं राजकुमारी जी कि हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। चलो आज हम भी अपना हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। रुक जाओ, आज इन सबको खाना हम खिलाएंगे। आज मैंने सबके लिए अपने हाथों से खास खाना बनाया है। चलिए चलिए खाइए ना, खाना ठंडा हो जाए। यहाँ क्या है ना, कभी कभी ज्यादा सोच समझ कर कदम उठाना भी ठीक नहीं होता है। ये दिमाग है ना,
यहाँ वहाँ भागता है। लगता है मेरा तीर निशाने पर लग ही गया। कोई इतने प्यार से खाना खिलाएगा तो निशाना खुद तीर के सामने आ जाएगा, है ना? थोड़ी सी दाल और मिलेगी। आखिर आप पर ये हमला किसने करवाया? आप चिंता मत कीजिए, जाइए अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। पर पिताजी। चल। आज पता चलेगा तुम्हें कन्नौज के खिलाफ साजिश का अंजाम क्या होता है। क्या बात है चाचा जी, कौन है ये? महाराज ये उन लोगों का सरदार है जिन्होंने आप पर हमला किया था। किसने भेजा है इसे? अभी पता चल जाएगा। बोल, किसने भेजा था तुम्हें? बोल बोल, किसने भेजा था तुम्हें? बोल बोल, किसके इशारे पर किया तुमने? बोल बोल बोल, वरना मार मार के मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगा। बोल बोल महाराज, वरना मैं मर जाऊंगा। बता, किसने भेजा था तुम्हें? दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के कहने पर। मैंने यह हमला किया था महाराज। पृथ्वीराज चौहान, देखा महाराज, मैं तो जानता था कि ऐसी हरकत पृथ्वीराज चौहान ही कर सकता है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, पृथ्वी के हमले का हिसाब हम करेंगे। नहीं पिताजी, ये झूठ बोल रहा है। पृथ्वी ने कोई हमला नहीं किया। अब जाइए और कमरे में जाकर आराम कीजिए। आपको इन सब बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, समझे? पृथ्वी ने पिताजी पर कोई हमला नहीं किया। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। बात समझो तो अच्छा और ना समझो तो। जैसे सुना कि भैया कन्नौज से आए हैं, भागी भागी सीधे यही आई हूँ। भैया बताइए ना, वहां क्या हुआ? संयोगिता मिली? सब कुछ ठीक हो गया ना? तुमने भेजा था ना मुझे उसके पास? क्यों? क्या हुआ भैया? ऐसा पूछो क्या नहीं हुआ, न जाने खुद को क्या समझती है लड़की।
मुझे माफ कर दो भैया, मेरी वजह से आपका अपमान हुआ। मुझे मुझे क्या पता था कि वो ऐसा। फुत्तू लड़की। भैया मैं ना आपको आप बहुत बदमाश हो, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तो समर सिंह ने आपको सब कुछ बता दिया? अब ऐसा क्या कह दिया तुमने उसको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भैया आप कुछ कह रहे थे कि वहाँ क्या हुआ था। महाराज की जय हो। महाराज एक भेदी आपसे मिलने आया है। हम बाद में बात करेंगे। जी बोलो, क्या खास बात है? सताराम ने मोहम्मद गौरी का एक खास भेद हासिल किया है। वो आपसे आज रात काली नदी पर मिलेगा। वहाँ बहुत सी औरतें पूजा करने आई होंगी। वो आपको वहीं औरत के भेष में मिलेगा। उसकी निशानी उसके लाल कपड़े होंगे। आखिर ऐसा कौन सा खास भेद है मोहम्मद गौरी का जिससे मेरा जाना इतना जरूरी है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।